हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएससी की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है और ये जो नोटिस है वो झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट आज का ये है 3 फरवरी का डेट, विज्ञापन संख्या आप 6/2021 है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं करके बताता हूँ कि कब से भराएगा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट भी ऐसे ही एग्जाम्स के दिए जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 6/2021 है, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत में है। नगर विकास एवं आवास विभाग, ये है नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रण में है। यहाँ पे कनीय अभियंता यानी कि मैकेनिकल वाले, फिर इलेक्ट्रिकल और फिर यहाँ पे सिविल के लिए 285 पोस्ट के लिए ऑनलाइन 7 फरवरी 2022 से आमंत्रित किया जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन होगा आपका स्टार्टिंग 7 फरवरी 2022 से, तो ये डेट है। इसमें जो टोटल है 285 पोस्ट है उसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत में यह लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल वाले वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो डेट्स है भाई ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और ये भी देख सकते हैं कि द्वारा क्रमशः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रांची के नियंत्रणाधीन अवर्स अभियंत्रण संवर्ग कनीय अभियंता असैनिक के कुल 171 पदों पर, जल संसाधन विभाग रांची के नियंत्रण अवर अभियंत्रण संवर्ग के असैनिक अभियंता के 400 रिक्त पद, जल संसाधन विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता मैकेनिकल के 30 रिक्त पद, एवं पथ निर्माण विभाग में सिविल के 392 एवं कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण के कुल 11 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिसूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे इसके अलावा मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो विभिन्न पोस्ट के लिए आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से यहाँ पे है जहाँ पर विभाग में आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है। तो ये जो है 171 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा में जल संसाधन विभाग में भी आपका 30 पोस्ट है, फिर यहाँ पे 392 पोस्ट है, यहाँ 11 पोस्ट है, तो बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पूरी जानकारी को यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। और संशोधित कुल रिक्त निम्नवत हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है आरक्षण कोटि है, पदनाम है, विभाग का नाम है। तो यहाँ कनीय अभियंता विद्युत और नगर विकास एवं आवास विभाग का है, तो इसमें जो टोटल है 46 सीट है। यहाँ पे अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसका 46 सीट के लिए निकाला गया है। यहाँ पे फिर दूसरा वाला में देख सकते हैं यहाँ पर कन्या अभियंता असैनिक वाले, सिविल वाले, नगर विकास एवं आवास विभाग का है। अनारक्षित में 77 है, अनुसूचित जनजाति में 51 है, अनुसूचित जाति में 20 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 15 है और पिछड़ा वर्ग में 6 है। ये टोटल 186 पोस्ट में है। यहाँ पे महिला वालों के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो सारी पोस्ट को आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नगर विकास एवं विभाग में कन्या अभियंता का है, यहाँ पे टोटल दिया गया है आपका 51 सीट है। तो आप लोग सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे कन्या अभियंता असैनिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का है ये, तो यहाँ पर है आपका टोटल 171 पोस्ट के लिए, यहाँ पे 171 पोस्ट है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा में फिर आप यहाँ कन्या अभियंता असैनिक वाले जल संसाधन विभाग का है, ये जल संसाधन विभाग का अनारक्षित में 160 है, ये 104 है अनुसूचित जनजाति में, तो टोटल ये 400 सीट यानी कि 400 सीट का यहाँ पर है दिया गया है ब्यौरा पूरी तरीके से। और उसके अलावा में आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर पर कन्या अभियंता यांत्रिक वाले यानी मैकेनिकल के जल संसाधन विभाग में ही ये टोटल यहाँ पे है 30 पोस्ट का है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में कन्या सैनिक अभियंता पथ निर्माण विभाग के लिए भी है यहाँ पर दिया गया है पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। 392 पोस्ट है, तो पोस्ट के संख्या भी करके आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक कन्या अभियंता कृषि अभियंत्रण और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग में 11 पोस्ट है, तो ये 11 पोस्ट कृषि से रिलेटेड वाला, एग्रीकल्चर वाला है। तो ये इतने सारे पोस्ट हैं आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो है क्या क्या मांगा हुआ है, तो कन्या अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पर उसका जो
लेवल है वो भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ आप कन्या अभियंता सैनिक वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिप्लोमा चाहिए। और ये जो पेज के लिए तो आप लोगों को दिख ही रहा है, 35,400 से लेकर के 112,400 वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर है यांत्रिक वाले, उसमें भी डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को। और फिर ये जो है कन्या अभियंता कृषि एग्रीकल्चर वाला में, यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा चाहिए। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे एज के लिए बताया गया है, डिप्लोमा स्तर पर संचालन नियमावली के अनुसार गणना की जाएगी, तो 1/8/2021 को ये गणना की जाएगी। इसी के हिसाब से आपका न्यूनतम और अधिकतम उम्र की काउंटिंग होगा। यहाँ पे कन्या अभियंता विद्युत, कन्या अभियंता असैनिक और कन्या अभियंता यांत्रिक वाले में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो है 1/8/2022 को ही इसका गणना हो जाएगा, ये जितने भी पोस्ट के लिए। यहाँ पे अब बात एक चीज़ बताए, कन्या अभियंता कृषि अभियंत्रण के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा का 100 रुपये का पाठ्यक्रम, तो जो है एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट के जो डिप्लोमा किए हैं उनको है एक बार मुख्य परीक्षा होगा उनका सीधे तरीके से। परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा और 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ये दोनों पाली में लिए जाएंगे। प्रत्येक पत्र के अवधि 2 घंटे की होगी। 2 पाली में 2 पत्र लिए जाएंगे यहाँ पे जो कृषि अभियंत्रण वाले हैं, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रश्न 120 पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न सामान्य अभियांत्रिकी से और सामान्य ज्ञान से 40, तो ये ध्यान रखना। पत्र 2 में है कृषि अभियंत्रण के लिए जो 120 क्वेश्चन होगा, तो ये है आपको याद रखना है यहाँ पर। और इसके लिए जो है पाठ्यक्रम सिलेबस जो दिया गया वो एग्रीकल्चर अभियंत्रण में ये है, ये आप लोगों को थोड़ा अच्छा से ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता की 2021 की विवरण तक इस हद तक संशोधित समझा जाए, विवरण के शेष शर्तें यथावत रहेगी और जो है वो पहले के जैसे ही रहेगा, ये हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक ये बताया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा कर लिए हैं वो अब 7 फरवरी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो पोस्ट है उन पोस्ट को आसानी से भर सकते हैं। और फिर एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं लगभग, तो आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है कि ये जो JCC है वो भी अब फॉर्म लगातार कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, तो इसी कारण से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो जो पोस्ट था वो भी आपको बता दिया पोस्ट के बारे में, और सीट कितने थी वो भी बताया, और जो डेट है वो डेट भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया। तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए और जब डेट आएगा तो आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।